कई लोग बहुत जल्द या कम उम्र से ही अमीर बनने की उम्मीद करता है। अमीर कैसे बने के बारे में सुनकर हर किसी का मन झूम उठता है, उनके मन में लालच पंपने लगता है। अमीर कैसे बने ये सब दिमाग में घूमते रहता है। थोड़ी खुशी के लिए हर कोई एक शानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन आज हर कोई अमीर नहीं हो सकता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं और सफल होते हैं, कुछ लोग व्यर्थ में प्रयास करते रहते हैं। अमीर होना काफ़ी किस्मत, कौशल, समय और धैर्य पर निर्भर करता है। एक बार जब हम जान ले कि अमीर कैसे बनते हैं, आप अपने व्यवसाय या नौकरी में जो पैसा कमाते हैं उसे सही तरीके से निवेश करके, आवश्यक खर्चों को कम करके और बचत करके एक मजबूत फाइनेंशियल करियर का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप अमीर होने और सही निर्णय लेने की रणनीति को अच्छी तरह जानते हैं तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार करना असंभव नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अमीर कैसे बन सकते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में 10 अमीर बनने का तरीका बताया हूँ। अगर सही तरीके से पालन किया जाए तो आप भी अमीर लोगों की सूची में अपना नाम लिख सकते हैं। अमीर बनना इतना आसान नहीं है कि हर कोई राह चलते अमीर बन जाए। अमीर बनने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मन लगाकर परिश्रम करना पड़ता है। अमीर होने के लिए आपको कुछ चीज़ों को संयोजित करने की आवश्यकता होती है, जैसे बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल्स, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल, और वर्तमान को स्वीकार करने और भविष्य के बारे में सोचने की मानसिकता, जिनका पालन करके आप अमीर बन सकते हैं। तो आइए ये जानते हैं कौन से ये 10 तरीके हैं जिससे हम अमीर बन सकते हैं। वैसे तो अमीर बनने के लिए बहुत से रहस्य हैं, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण तरीके के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम ठान लें कि हमें अमीर बनना है और इसके लिए हम परिश्रम करने लगे तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अमीर होने का राज के बारे में जानते हैं। पहला राज है ज्ञान प्राप्त करने में निवेश करें। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप पैसे कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। जब तक ये नहीं जानते हैं कि पैसे कैसे बचाएं, तब हमारे पास जो पैसा आता है वो जल्द ही चला जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज हमें सिखाते हैं कि CV कैसे लिखें, नौकरी कैसे प्राप्त करें, दूसरों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वहाँ ये नहीं सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे शुरू करें या बिजनेस में कैसे सफल हो। इसका मतलब ये है कि आप जो सीख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सीखने की ज़रूरत है कि अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने, और अमीर बनने के लिए कौन से तरीके हैं। यदि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपके पास फाइनेंशियल ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है लक्ष्य निर्धारित करें। अमीर बनने के लिए दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है टारगेट। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे। सफलता की कुंजी लक्ष्य निर्धारित करना है। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए अस्पष्ट है तो इसे छूना कभी भी असंभव नहीं है। बिना लक्ष्य के सफलता के शिखर तक पहुंचना संभव नहीं है। लक्ष्य ही सफलता के लिए नींव है, इसलिए यदि आप खुद को सफलता के सुनहरे शिखर पर भेजना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना होगा। यदि आप युवा हैं तो बिजनेस को अच्छी तरह से समझें, और यदि आप जोखिम लेने से डरते हैं तो नौकरी प्राप्त करें और फाइनेंशियल नॉलेज का उपयोग करके पैसे बचाते रहें। तीसरा है ऊंची मानसिकता वाले लोगों के करीब रहें। आपके आसपास हमेशा अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं है। उनका जीवन एक निश्चित गति से नहीं चलता है। ऐसे लोगों से बचें, उन लोगों से मिलें और बातचीत करें जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो सफलता तक पहुंचने के लिए अस्वस्थ है। आप भी सफलता तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको गरीबों की मानसिकता को खत्म करके अमीरों की मानसिकता बनानी होगी। आपको ये जानना होगा कि अमीर कैसे सोचते हैं, वे कैसे निर्णय लेते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए, उनकी तरह ही सोचेंगे। यदि आप किसी अच्छे मानसिकता वाले की सलाह सुनते हैं तो आप उनकी तरह होंगे। चौथा है अपने आप पे निवेश करें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल डालें।
जब हम अपने दिल को काम में लगाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर आप किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो अगर आप उसे मन से करते हैं तो वो काम अच्छे से होता है और उस काम में सफलता मिलती है। सरल शब्दों में, फल की उम्मीद ना करें, काम करते जाएं। आपको अपने काम के साथ इसका आनंद लेना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप आज या कल सफल जरूर होंगे। पांचवा है, समझदारी से निवेश करें। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमीर निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करते हैं और गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। इसलिए आपको अमीर बनने के लिए बिजनेस पर ध्यान देना होगा और आपको ये पता लगाना होगा कि कहाँ निवेश करना है। पैसा खोने का डर सबके पास होता है, यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी, लेकिन ये डर कोई समस्या नहीं है। ये इस बात का विषय है कि आप इस डर से कैसे निपटते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे मूर्ख की तरह गलत जगह निवेश करते हैं तो आप अपने पैसे गंवा सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं। अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके निवेश करने की कोशिश करें। आप रियल इस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे और ऐसी किसी भी चीज़ में निवेश नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान उठाना लगभग तय है। छठा है, लागत घटाएं। वास्तव में हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां खर्च करना बचत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर बनने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि आप कितना पैसा रखते हैं यही निर्धारित करेगा कि आप अमीर हैं या नहीं। और अगर आपके पास अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं है तो अमीर होने के लिए सीखने से काम नहीं चलेगा। सातवां है, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आप समय पर एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र कम है तो आप कम उम्र में अधिक पैसा कमाना संभव नहीं है, तथा यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से भी उतनी कमाई होती नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आप सिर्फ नौकरी की उम्मीद करके अमीर हो सकते हो। अगर आप नौकरी के लिए बैठते हैं तो आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा और धन की मात्रा बढ़ाए बिना अमीर बनना संभव नहीं है। इसलिए नौकरी के अलावा कुछ और करें, एक छोटा सा व्यवसाय खोलने की कोशिश करें और उस व्यवसाय की योजना बनाई जानी चाहिए। ये आपका पहला व्यवसाय है जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन धैर्य के साथ व्यवसाय में निवेश करें, सफलता जरूर मिलेगी। आठवां है, अतिरिक्त और अनावश्यक चीज़ें खरीदने पर पैसा खर्च करना बंद करें। अतिरिक्त और अनावश्यक चीज़ें खरीदने की आदत को बिल्कुल खत्म कर दें। कई लोग को महंगे मोबाइल या अन्य कई चीज़ों का शौक होता है, लेकिन आप इसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अमीर लोग पैसा बर्बाद नहीं करते, इसके बजाय वे पैसे बचाते हैं और वे किसी भी आवश्यक कार्य में निवेश करते हैं और अंत में राशि दोगुनी हो जाती है। और अमीर होने के लिए इस गुण से अवगत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब थोड़े प्रयास से इन बेकार चीज़ों को छोड़ना ही आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। बचत आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बचत को एक आदत बनाएं, आप बहुत कम समय में अमीर बन सकते हैं। नौवां, पैसों का हिसाब रखें। यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं, कहां, कब और किस वजह से पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पर नज़र रखें। लापरवाह पैसा खर्च करके अमीर बनना कभी संभव नहीं है। हो सकता है कि लोग आपको कंजूस कहें, लेकिन फिर भी अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा मजाक का सहन करना पड़ेगा। दसवां है, उधार लेने की कोशिश ना करें। यदि आप किसी भी तरह का उधार या लोन लेते हैं तो हो सकता है कि आपका अधिक समय उसे चुकाने में निकल जाए। यदि आपको हर महीने उधार चुकाने के लिए महीने बिताने पड़ते हैं तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। जो आप कमाते हैं नतीजतन आपके खर्च बढ़ जाएंगे और आप पीछे होते जाएंगे। उधार लेने से बचना चाहिए, यहाँ तक कि अगर महीने के अंत में परेशानी होती है तो उधार लेने की आदत ना बनाएं जब तक खतरे में आप ना हो, क्योंकि ये एक तरह के रिट्रीट की तरह काम करता है। तो ये 10 तरीका आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो साइनिंग ऑफ, सक्सेस लाइफ।